हे गाइस, दिस इज आदर्श फ्रॉम टेकीमेक। और आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे एक माउस को जो कि आता है एडकॉम की तरफ से, और ये मैंने amazon.in से जो है वो परचेज़ किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अमेज़ॉन की जो पैकिंग है उसको खोल लेते हैं, यहाँ पे बॉक्स को निकालेंगे बाहर। तो ये आप देख सकते हैं कुछ रेड और ब्लैक कलर के बॉक्स में आपको जो माउस है वो देखने को मिल जाता है। तो चलिए हम इसको निकालते हैं अमेज़ॉन की पैकेजिंग से बाहर। तो चलिए अब हम बात करें बॉक्स की। तो कुछ इस टाइप का बॉक्स आपको देखने को मिल जाता है। साइड की तरफ आपको MRP और काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। पीछे की तरफ आपको अलग अलग लैंग्वेज में जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मिल जाएंगे, और यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो लिखी हुई है। तो चलिए अब हम बात करते हैं बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे हम बॉक्स को खोल लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एडकॉम की तरफ से आने वाले अच्छे अच्छे स्टिकर्स मिल जाएंगे। और अब हम निकालेंगे हमारे माउस को इस बॉक्स से बाहर। तो इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बुक की तरह जो बॉक्स है वो खुल जाता है और काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। तो यहाँ पे इसके साथ आपको एक यहाँ पे एक स्टिकर टाइप का मिलेगा जिस पे आपको इनकी सारी इन्फॉर्मेशन और 10% कोड मिलेगा आपको डिस्काउंट। और यहाँ पे अब हम बात करते हैं माउस की डिज़ाइन की। तो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और आयरन मैन टाइप का यहाँ पे लुक जो है वो आता है और काफ़ी कूल लगता है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको साइड में बटन जो है वो मिल जाएंगे, नीचे ऑप्टिक आपको इसका देखने को मिल जाएगा, और डिज़ाइंड बाई PRC भी लिखा देखने को मिल जाता है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको अब इसको PC से कनेक्ट करके नहीं दिखा सकता, तो मैं आपको यहाँ पे जो है इसको अपने फ़ोन से कनेक्ट करके दिखाऊंगा OTG के थ्रू। तो चलिए हम इसको करते हैं अपने फ़ोन से कनेक्ट। तो यहाँ पे आपको फ़ोन से कनेक्ट करने के लिए जो है वो आपको चाहिए होगी OTG केबल। तो मेरे पास वो भी यहाँ पे है, तो मैं उसको कनेक्ट करता हूँ अपने फ़ोन से और आपको दिखाता हूँ ये कैसे वर्क करता है आपके फ़ोन पे। तो कुछ इस टाइप का केबल जो है वो आपको चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ इसको अपने फ़ोन में, और आप देख सकते हैं लग चुका है। और यहाँ पे हम इसको चलाते हैं अपने फ़ोन को, और यहाँ पे OTG को मैंने इनेबल कर लिया है। और अब आप देख सकते हैं माउस में जो RGB है वो ग्लो होने लगी, और कितना कूल लगता है देखने में ये RGB लाइटिंग, और काफ़ी अच्छा लगता है। नीचे का ऑप्टिक जो है वो भी काम करना चालू हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना स्मूथली जो है ये माउस काम कर रहा है, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने में भी लुक आता है माउस का, और RGB लाइट भी बहुत अच्छी तरीके से ग्लो करती है। तो अगर आप इसको परचेज़ करना चाहें तो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप OTG केबल को परचेज़ करना चाहें तो उसका भी लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो ये माउस मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसकी RGB लाइटिंग काफ़ी अच्छी है। तो गाइस मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो करिए इस वीडियो को लाइक। तब तक के लिए बाय बाय।